हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम करने जा रहे हैं जीएसटी का फर्स्ट रिवीजन, जिसमें सिर्फ मैं ऑडियो ही आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन इस ऑडियो को अगर आपने एक भी बार जीएसटी को तमीज से पढ़ा है, चाहे मुझसे पढ़ा है या किसी के साथ भी पढ़ा है या सेल्फ स्टडी भी किया है, तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। दोस्तों इस पार्ट में मैं चैप्टर 2 का रिवीजन आपको देने वाला हूं फुल फ्लेज्ड। और इस ऑडियो को अगर आपने ढंग से सुना, चाहे एग्जाम वाले दिन सुना या एग्जाम से एक दिन पहले सुना, कभी भी सुना, आपको 100% एक एक चीज रिवाइज होने वाली है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसे रिवाइज कर रहे हैं। और इस रिवीजन का एक यही बेनिफिट है कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिकॉल कैसे करें। तो ये ऑडियो बेस्ट रहेगा आप अगर वॉक पे हैं, या फिर आपको सोने का मन कर रहा है तो एक हल्की सी वॉक ले लें, या कभी भी आपको लग रहा है आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आपने ईयर प्लग्स लगाए और आपने स्टार्ट कर दिया। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। समय बिताने के लिए जीएसटी का करना है आज कुछ काम। दोस्तों सबसे पहली बात, जीएसटी जब स्टार्ट करते हैं तो मुझे आपसे बात करनी है लेवी के बारे में कि लेवी कब करता है जीएसटी। तो इसके लिए चार्जिंग इवेंट होते हैं। चार्जिंग इवेंट के लिए मुझे सबसे पहले बात करनी होती है आपसे कि भैया इंटर स्टेट होता है और इंटर स्टेट होता है। एक तो होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि जहां पे LOS और POS सेम होता है, LOS और POS सेम होता है। इसका एग्जांपल मैंने दिया था, अगर दिल्ली वाला बंदा दिल्ली को सप्लाई करे तो इसको हम इंट्रा स्टेट करते हैं। इसका होता है सेक्शन 8। और एक होता है सर इंटर स्टेट, जिसका होता है सेक्शन 7, जिसमें LOS और PS अलग होता है। या तो डिफरेंट स्टेट होगा या डिफरेंट यूनियन टेरिटरी हो सकती है, इसमें हमें देखना होता है। जहां LOS का मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर है और जहां पे POS का मतलब प्लेस ऑफ सप्लायर है। जब हम सर सप्लाई की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि ये गुड्स है या सर्विसेज है। गुड्स का इसलिए ध्यान रखना होता है कि गुड्स का अलग रेट होता है टैक्सेशन का जीएसटी के अंदर, और सर्विसेज का अलग रेट होता है। सर अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो इसमें एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है गुड्स के अंदर, और इसके अंदर एक्सनेबल क्लेम भी शामिल होते हैं, जिसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 है। और सर्विसेज की बात करें तो इसमें एनी अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मतलब गुड्स को छोड़ के जो आ गया वो सर्विसेज के अंदर काउंट हो जाता है। इन दोनों के अंदर मनी सिक्योरिटीज शामिल होती है। ठीक है सर, मनी सिक्योरिटी शामिल होती है नहीं होती है, जरा ध्यान से टिक टिक 1 2 3 4। नहीं सर, मनी सिक्योरिटी दोनों के अंदर ही शामिल नहीं होती है, इसे गुड्स और सर्विस का पार्ट नहीं माना जाता है। लेकिन सर्विसेज के अंदर इंक्लूड्स होता है, सेपरेट कंसिडरेशन लिया गया है, चार्ज किया गया है कन्वर्जन ऑफ मनी के लिए। तो इस बात का हमें ख्याल रखना होता है, इस बात का हम ख्याल रखेंगे। ठीक है सर। उसके बाद जब मैं आपसे सप्लाई के लिए ही बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इसमें और रिवीजन की बात करूं तो हम बात कर सकते हैं कि सप्लाई में इंक्लूड क्या क्या होता है। तो सर सेक्शन सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के पास जाएं तो कहता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को हम क्या मानते हैं, सप्लाई मानते हैं। तो इसने ऑल फॉर्म ऑफ गुड्स में क्या बताया, तो सर इसमें देखो दो पार्ट है, 7 के दो पार्ट है। एक है सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ए और एक है सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। ठीक है सर, इस तरीके से इसने बांटा हुआ है। और सेक्शन वन की बात करें तो देखो सर इसने किस तरीके से डिवाइड किया है, जरा मैं आपके माइंड में एक मेमोरी मैप एक मैप तैयार करने की कोशिश करूं। तो जो सेक्शन 7 है वो सप्लाई के बारे में बता रहा है। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में दो पार्ट आते हैं। पहला वो कहता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इधर आती है, फिर वो एक और चीज बताता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी इधर आती है, फिर इसमें वो शेड्यूल 1 के बारे में भी बता देता है कि भैया कंसिडरेशन नहीं लिया तो भी हम सप्लाई मान लेते हैं, और 7 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए भी यहां आ जाता है, जो ये बताता है कि सप्लाई में एक्सक्लूड क्या क्या है, जो कि शेड्यूल 3 को रेफर करता है। और इसी के साथ सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी भी आता है, जो कहता है कि अगर गवर्नमेंट किसी चीज को नोटिफाई कर दे तो उस चीज को हम सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अगर आपको ये नहीं रिकॉल हो रहा है तो एक बार दोबारा से आपको क्या करना है, फटाफट अपने चैप्टर्स को पलट के देखने हैं, पेजेस को पलट के देखना है, आपको रिकॉल हो जाएगा। और रिकॉल हो गया इतनी देर में तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूं, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर जा रहा हूं, जिसमें मुझे दो पार्ट मेनली सीखने हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। सर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को हम यहां पे शामिल करते हैं। ठीक है सर, जिसमें सच एज क्या क्या हो सकता है, सेल हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, और
एक्सचेंज हो सकता है, बार्टर सिस्टम हो सकता है, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब हमारे सप्लाई के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक और प्यारी सी बात आती है, मेड और एग्रीड टू बी मेड, यानी अगर मैंने आपके लिए कुछ किया या मैं कुछ करने के लिए तैयार हूं तो वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाता है। अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया कि मैं आपको कोई चीज देने वाला हूं तो भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाता है। आप कुछ करने के लिए रेडी हो और उससे पहले ही आपके पास पैसा आ गया तो वो भी आपको सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर आ जाता है। इसके अंदर सर और भी प्यारे से हमें सिखाया गया कि हमें सप्लाई के लिए ये चीज तो जरूरी है ही है, लेकिन सेकंड चीज जरूरी होती है कंसिडरेशन, कि भैया उसके बदले में रोकड़ा मेरे को मिलना चाहिए। तो इसके लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 यहाँ पे आ जाता है, जो कंसिडरेशन के बारे में बात करता है, जिसमें हमें ए और बी पॉइंट को याद रखना है। पहला पॉइंट कहता है, आपने कोई भी पेमेंट ली और एग्री टू बी मेड फर्दर इन मनी और अदरवाइज, आप कह रहे हो कि मैं पैसे के लिए काम करूंगा, या पैसे अभी दे दो या बाद में दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, या फिर द मोनिट्री वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस, यानी आज पैसे नहीं दोगे ठीक है, लेकिन फोरबियरेंस का मतलब यहां पे क्या आ गया कि भैया आपको कुछ ना करने के लिए भी अगर पैसे दिए जा रहे हैं तो भी हम इसे कंसिडरेशन के अंदर शामिल करते हैं। इसमें मैंने रेरे इंडू का केस आपको सिखाया था, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स ऑफ इंड्यूसमेंट, इन बातों को आपको याद रखना है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स ऑफ टू फॉर इंड्यूसमेंट, ठीक है सर। और इसके अंदर आप कुछ भी गुड्स या सप्लाई इसके बदले में ले रहे हो या दे रहे हो सब सप्लाई के अंदर में कवर आ जाता है, लेकिन इसके अंदर एक्सक्लूड करते हैं क्या सब्सिडी अगर मिली है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से तो हम इसे एक्सक्लूड कर देते हैं, कोई भी डिपॉजिट वगैरह यहां पे आता है तो हम इसे एक्सक्लूड कर देते हैं। ये रहा सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के बारे में रिवीजन हमारा। इसके बाद इसमें ये एक बात और सिखाता है कि भैया आपने डिफाइन कर लिया सेल है, आपने डिफाइन कर लिया कि मेड और एग्री टू बी मेड है, आपने डिफाइन कर लिया कि कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जिसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 है कि ये बिजनेस के पर्पस के लिए होना चाहिए। एक बार मेरे साथ, ये बिजनेस के पर्पस के लिए होना चाहिए, एक बार दोबारा से, ये बिजनेस के पर्पस के लिए होना चाहिए। तो बात आई कि भैया बिजनेस के पर्पस के लिए बोले तो क्या, भैया ट्रेड कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो या वोकेशनल वर्क कर रहे हो, आप कोई एडवेंचर कर रहे हो या वेजर कर रहे हो, वेजर मतलब होता है सट्टेबाजी, ठीक है, या फिर कोई ऐसी सिमिलर एक्टिविटी कर रहे हो, और अगर ये एक्टिविटी पैसे के लिए कर रहे हो या पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, दोनों ही केस में हम इसे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मान लेंगे जीएसटी के अंदर। फिर इसी का बी पॉइंट आता है, वो ये कहता है कि भैया जो सबसेक्शन ए में कहा था उसकी एक्टिविटी से रिलेटेड कनेक्शन में हो, इंसिडेंशल हो या एंसिलरी हो, कुछ भी हो, हम उसको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मान लेंगे। फिर इसी में एक बात हमें और सीखनी होती है कि भैया इसमें हम वॉल्यूम क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, इस बात का हम पे कोई असर नहीं पड़ने का है। और इसमें और बात कही गई कि भैया सप्लाई हो रही है या एक्विजिशन हो रहा है, या आप दे रहे हो या ले रहे हो, किसको, गुड्स को ले रहे हो, इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, यानी अगर आप खरीदते समय कोई असेट्स ले रहे हो या बंद होते समय कोई बिजनेस की असेट्स को दे रहे हो, इसे भी हम कनेक्शन टू बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को मानते हैं। इसमें सर हमें और सीखना पड़ता है कि अगर कोई क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी या ऐसी ही कोई बॉडी अगर ऐसी टाइप की कोई भी फैसिलिटी अपने मेंबर को देती है, इसको भी हम बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर काउंट करते हैं। हमने इसी के अंदर सीखा कि भैया एडमिशन हो रहा है कंसिडरेशन के बदले में किसी भी प्रोमाइसिस में, इसे भी हम बिजनेस के अंदर ट्रीट करते हैं। इसी में सर हमने सीखा कि भैया सर्विसेज दी जा रही है, रेस क्लब के अंदर एक टोटलाइजेटर होता है, क्या मैंने आपको सिखाया था, टोटलाइजेटर और अ लाइसेंस टू बुक अ मेक अ सच क्लब, मतलब एक लाइसेंस होता है जिसके थ्रू हम बुकिंग वगैरह करते हैं, तो वो भी काम हो रहा है तो उसे भी हम बिजनेस का पार्ट मानते हैं, ठीक है सर। और कोई भी एक्टिविटी हो रही है ट्रांजेक्शन के लिए हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, जो कि पब्लिक अथॉरिटी में इन्वॉल्व है, उसे भी हम बिजनेस का पार्ट मानते हैं। इसी के साथ एक छोटी सी बात और आती है कि मान लो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है किसी भी पर्सन को जिसने कोई ऑफिस में चेयर को होल्ड किया हुआ था, पोजीशन को होल्ड किया गया था और बिजनेस को चलाने के लिए किया गया है, वो बंदा प्रोफेशनल होना चाहिए या वोकेशन पे होना चाहिए,
तो उसे हम बिजनेस का पार्ट मानते हैं। मैं इस पे जरा एक सेकंड लेना चाहूंगा इस वाले पॉइंट पे। इसका मीनिंग लास्ट टाइम शायद मैं क्लियर नहीं दे पाया था, अभी आपको क्लियर करता हूं कि यहां पे वो ये कहना चाहता है कि मान लो आप कहीं पे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की वजह से कहीं और पे कहा जा रहा है कि भैया आप हमारी जो टीम है उसके चेयरमैन बन जाओ, उसके मेंबर बन जाओ, या आपको हमारे ऑफिस में आके रोज 2 घंटे सीट पे बैठना है, इसके बदले हम आपको 50,000 रुपए हर मंथ दे देंगे। आपको इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप एक प्रोफेशनल बंदे हो, एक वोकेशनल बंदे हो, और आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो, या फिर वो आपके थ्रू अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो ये आपको जो सीट दी गई है ये आपके प्रोफेशन की वजह से दी गई है, आपकी वोकेशन की वजह से दी गई है, इसलिए आपने जो सर्विसेज यहाँ पे दी है उस सीट को होल्ड करने की, उसे भी हम बिजनेस का पार्ट मानेंगे। तो सर मैंने आपके साथ 2 सबसेक्शन 17 भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद मैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के पास आऊं तो वो बात करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में बात करो कि भैया वो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, इसे मैं फर्दरेंस इन कोर्स का एक्सेप्शन भी कह सकता हूं कि अगर ये बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो क्या इंपोर्ट, तो मैं उसे सप्लाई मानूंगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को। वर्ड इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, किसमें, 7(1)(b) के अंदर, कि अगर मैंने कोई भी सर्विस ली चाहे वो कंसिडरेशन में ली विदाउट कंसिडरेशन ली, बिजनेस के पर्पज से ली नहीं ली, सर वर्ड को सुनना, मैंने गलत बोल दिया, ध्यान से सुनना, कंसिडरेशन में ही लिया है, वर्ड पकड़ना है, 7(1)(b) बात कर रहा है कि मैंने कंसिडरेशन में ही लिया है, लेकिन वो बिजनेस के पर्पज से लिया बिजनेस के पर्पज से नहीं लिया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कंसिडरेशन यहाँ पे चाहिए, 7(1)(b) में कंसिडरेशन चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए तभी 7(1)(b) में आएगा, और बिजनेस के पर्पज से हुआ या नहीं हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी बात को सुनो, आप ध्यान से सुनना, लास्ट टाइम इस पे डिस्कशन नहीं की थी, इस टाइम कर रहा हूं कि भैया कंसिडरेशन के लिए किया, और अगर वो बिजनेस के पर्पज से किया या बिजनेस के पर्पज से नहीं किया, ध्यान से सुनना, कंसिडरेशन तो लिया मैंने, पैसा लिया, बिजनेस के पर्पज से किया बिजनेस के पर्पज से नहीं किया, टैक्सेबल है भाई, जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है। अब बात आती है विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन में अगर मैंने किसी रिलेटेड पार्टी से लिया, रिलेटेड पार्टी से लिया और बिजनेस पर्पस के लिए लिया, तो ये भी टैक्सेबल है। ये बात लास्ट टाइम नहीं बताई थी, अभी बता रहा हूं रिवीजन के अंदर, बाद में मत कहना विनीत मिश्रा ने बताई नहीं, ये बात दोबारा से बोलता हूं, अगर कंसीडरेशन के साथ है तो बिजनेस पर्पस से है या नहीं है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आपको जीएसटी में कवर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर कंसीडरेशन के लिए नहीं है, अगर कंसीडरेशन नहीं लिया, एक भी पैसा नहीं लिया, तो मैं आपसे पूछूंगा आपने ये सर्विस किससे ली, तो आपका पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि आपने ये सर्विस रिलेटेड पर्सन से या डिस्टिंक्ट पर्सन से ली है। ध्यान से सुनना, ये सर्विस मैंने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से ली है। अगर आपने ये सर्विस रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन से ली है और आपने ये सर्विस बिजनेस के लिए ली है, तो आप यहां पे कवर्ड हो जाएंगे। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो इस ऑडियो को 2-4 बार सुनना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिविजन है तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। और अगर ये रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन से नहीं ली है और ये बिजनेस के पर्पज से भी नहीं है, तो ये टैक्सेबल नहीं है। अब इस चीज को ध्यान से सुनना, आपको रिकॉल होगा। अब इसी के साथ रिलेटेड पार्टी का नाम आया है, रिलेटेड पर्सन का नाम आया है, तो मैं बोल देता हूं, आपको फटाफट रिकॉल हो जाएगा, मैं बोलता हूं, ठीक, ध्यान सुनना। सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन और अनदर बिजनेस, ठीक है, वो जो पर्सन है जिसको रिलेटेड पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, रिलेटेड पर्सन की बात कर रहा हूं, वो कहीं पे ऑफिसर है या डायरेक्टर है वन अनदर बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस के अंदर। दूसरा है सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन अ बिजनेस, वो किसी बिजनेस के अंदर दोनों ही पार्टनर हैं, तो उसे हम रिलेटेड पर्सन मानेंगे। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई है दोनों, तो भी रिलेटेड पर्सन मानेंगे। एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन और कंट्रोल और होल्ड 25% और मोर और ऑफ आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर ऑफ बोथ ऑफ देम, यानी मतलब दोनों ने खानदान ऑफ कंपनी के अंदर 25% से ज्यादा होल्ड कर रखा है शेयर्स के अंदर,
दोनों में से किसी ने, मतलब ए ने बी के अंदर होल्ड कर रखा है तो ए और बी को रिलेटेड पार्टी मान लेंगे, ये आपने होल्डिंग एंड सब्सिडियरी के अंदर पढ़ा हुआ है। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अनदर, इसमें शेयर होल्डिंग की बात नहीं है लेकिन कंट्रोल की बात है, अगर कंट्रोलिंग पावर आपके पास है तो भी आपको रिलेटेड पर्सन मान लिया जाएगा। या फिर बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, यानी ए और बी का भी पप्पा है कौन, सी, तो अगर सी ने दोनों को कंट्रोल कर रखा है तो ए और बी को आपस में रिलेटेड पर्सन माना जाएगा, ठीक है। और टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, यानी ए और बी मिलके सी को नाच नचा रहे हैं, ए और बी मिलके सी को नाच नचा रहे हैं तो भी ये रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसी के साथ 7-1A, 7-1B फिनिश हुआ, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। अब हम क्या बात कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। अभी जो 7-1A की बात की थी वो था विद कंसिडरेशन, अब हम बात कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1। सर ये कहता है परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है, परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है या डिस्पोजल हो रहा है बिजनेस असेट्स का, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट्स, यानी आप क्या कर रहे हो, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, बिजनेस बंद नहीं हुआ, बिजनेस चल रहा है लेकिन आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो उस असेट्स का जिस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हो, तो भैया इस केस में आपने बेसक ट्रांसफर करने के बदले में एक भी पैसा नहीं लिया है बट आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो आप सप्लाई में कवर्ड हो जाओगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि मान लो किसी के शोरूम में एक टीवी है, घर में बीबी बीमार है और टीवी खराब है, बीबी ने कहा स्वीटहार्ट एक टीवी भेजो ना, मैं बीमार हूं, मैं अकेले टाइम पास कैसे करूंगी। अब भाई साहब ने शोरूम का टीवी जिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था उसको कहां भेज दिया, बीबी के पास, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर उस पे लिया हुआ है तो भाई साहब को सप्लाई में कवर्ड कर लिया जाएगा, बेशक वो अपनी वाइफ से एक भी रुपए ले या ना ले। सेकंड है सर सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सप्लाई ऑफ सच गुड्स कौन से गुड्स जो बताए गए हैं या सर्विसेज जो भी बताई गई हैं या दोनों ही कहां हो रहे हैं, रिलेटेड पार्टी के बीच में हो रहा है या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है, वर्ड को ध्यान रखना, रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन हुई और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हुई, बेशक उन्होंने एक भी पैसे एक दूसरे से नहीं लिए हैं लेकिन वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बीच में कवर्ड हो जाएंगे। अब आगे आपको सुनना है थर्ड केस, भैया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में बात की गई कि मान लो हमारे रिलेटेड पर्सन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई तो होते हैं लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को 50,000 रुपए तक का कोई गिफ्ट देता है, ठीक है, तो इसके लिए हम उन्हें जीएसटी में कवर नहीं करेंगे अगर 50,000 तक ही है, ठीक है, तो हम उसे यहां पे कवर नहीं करेंगे। सर नेक्स्ट पॉइंट में आपके लिए ले सकता हूं कि सप्लाई ऑफ गुड्स हुई है, किसको हुई है, सप्लाई ऑफ गुड्स हुई है किसको हुई है, प्रिंसिपल ने एजेंट को भेजा, ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल ने एजेंट को भेजा या एजेंट ने प्रिंसिपल को भेजा, ध्यान सुनना, प्रिंसिपल ने एजेंट को भेजा या एजेंट ने प्रिंसिपल को भेजा, इसे हम सप्लाई के अंदर कवर करते हैं। एक और बात इसमें आती है वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वाला प्रोविजन मैंने थोड़ी देर पहले 7-1B में भी बताया था, यहां भी आपको बोल रहा हूं, यहां पे कब कवर है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही है कोई भी टैक्सेबल पर्सन है जो कि रिलेटेड पार्टी से ले रहा है, टैक्सेबल पर्सन रिलेटेड पार्टी से ले रहा है और एक भी पैसा नहीं ले रहा है, ध्यान सुनना, टैक्सेबल पर्सन ने रिलेटेड पार्टी से कुछ भी लिया, कुछ भी इन द सेंस सर्विसेज ली, रिलेटेड पार्टी से लिए और जो कि आउटसाइड इंडिया था, लेकिन वो किस लिए ले रहा है, बिजनेस पर्पज से ले रहा है और एक भी पैसा नहीं दे रहा है तो भी इसे सप्लाई में कवर किया जाएगा। मैंने ओवरऑल आपको बहुत अच्छे से बता दिया। अब 7-2A की बात करते हैं जो ये कहता है कि भैया हम इसमें क्या क्या शामिल नहीं करेंगे, तो क्या क्या शामिल नहीं करेंगे, दैट वॉज शेड्यूल थ्री कि क्या क्या इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो भैया देखो, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन द रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को कोई सर्विस दे रहा है, सॉरी एक एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस दे रहा है तो हम इसे काउंट नहीं करते, कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई भी सर्विसेज दे रही है तो हम इसे काउंट नहीं करते, कोई एमपी एमएलए कोई सर्विस दे रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से कोई सर्विस दे रहा है
या फिर कोई भी चेयरपर्सन या डायरेक्टर है किसी इस टाइप की बॉडी में, गवर्नमेंट बॉडी में, और वो कोई सर्विस दे रहा है तो हम इसे यहाँ काउंट नहीं करते। कोई भी शमशान घाट टाइप के लोग या फिर जो कि मुर्दा घर टाइप के लोग जो होते हैं, फ्यूनरल ब्यूरल, ये इस टाइप के लोग सर्विस दे रहे हैं तो इसे हम काउंट नहीं करते। लैंड एंड बिल्डिंग अदर देन 5B शेड्यूल 2, इसको याद रखना है, लैंड एंड बिल्डिंग अदर देन 5B शेड्यूल 2 की अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो हम उसे यहाँ पे काउंट नहीं करते। एक्सनेबल क्लेम को हम सप्लाई में काउंट नहीं करते। वर्ड याद रखना, गुड्स के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 के अंदर आपने पढ़ा था कि एक्सनेबल क्लेम को गुड्स के अंदर काउंट करते हैं और सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज में होगी, लेकिन यहां पे कहा गया है एक्सनेबल क्लेम को बाहर रखो तीन चीजों को छोड़ के, लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। तो एलबीजी को टैक्सेबल माना जाएगा, एलबीजी को छोड़ के जो एक्सनेबल क्लेम है उन्हें 72A ने बाहर रखा है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, 72B की तरफ आते हैं, वो है नोटिफाइड एक्टिविटीज बाय गवर्नमेंट। ये कहता है नोटिफिकेशन नंबर 14/2017, ये कहता है कि भैया कोई भी सर्विसेज है, कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है, कोई भी सर्विसेज, कोई भी एक्टिविटी इन रिलेशन टू अ फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ पंचायत अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओवरऑल बस यही कह रहा है कि भैया कोई पंचायत अगर कोई सर्विस देगी तो हम इसे गुड्स या सर्विस किसी भी डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे, स्वाहा। इसी के साथ 7(1) और 7(1)(2) दोनों ही खत्म हो गए। अब हम शेड्यूल 2 के पास आते हैं, शेड्यूल 2 इसी का एक पार्ट है जो हमें याद रखना है। सर ये क्या कहता है, ये कहता है मान लो आपने ट्रांसफर ऑफ गुड्स किया, ठीक है, एक्चुअली में शेड्यूल 2 की थोड़ी सी कहानी समझो। ये कहता है एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब शेड्यूल 2 आपको ये बताएगा किस चीज को आप गुड्स मानोगे, किस चीज को आप सप्लाई मानोगे। एक बार फिर शेड्यूल 2 आपको ये सिखाएगा किस चीज को गुड्स मानना है, किस चीज को सर्विसेज मानना है। ध्यान से सुनते जाना है, मेमोरी में पावर में इसे डालते जाना है और आपको पेजेस पलटते जाने हैं जहां जहां मैं पढ़ा रहा हूँ। जहां आपको पेज नहीं मिल रहा एक आध सेकंड वॉइस को यहाँ पे रोक सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से सुनना सर, ट्रांसफर ऑफ गुड्स हुआ। अगर मैंने मान लो अपना फोन आपको दिया, आपको टाइटल दे दिया, मतलब आज से इसके मालिक आप, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, टाइटल तो दूंगा आपको लेकिन बाद में दूंगा, अभी नहीं दे रहा, जैसे हायर परचेज के केस में। इस केस में जब ट्रांसफर होता है तो इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं। लेकिन यहां पे अगर अगला केस में कहूं कि मैं आपको टाइटल नहीं दे रहा, आपको गुड्स दे रहा हूं कि ले भाई तू यूज कर, तो इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। उसके बाद आगे सुनो, लैंड एंड बिल्डिंग के केस की बात करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में आप लैंड एंड बिल्डिंग को लीज पे दोगे, टेनेंसी को दोगे, ईजमेंट पे दोगे, लाइसेंस या ऑक्यूपाई लैंड पे आप दोगे, तो इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। क्या मानते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि आप इसमें उसको मालिक थोड़ा ना बना रहे हो, आप तो उसे लीज या टेनेंसी वगैरह पे दे रहे हो। इसी के साथ में अगर एनी लीज लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ बिजनेस और कॉमर्स, यानी आप क्या कर रहे हो, व्यवसाय के पर्पज से भी दे रहे हो, रहने के पर्पज से भी दे रहे हो, तो भी हम इसे सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी चीज को आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमने कहा ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस को आप जॉब वर्क से रिलेट कर सकते हो कि मान लो मैं तुमको गुड्स दे रहा हूं, तुम उस पर काम करके उसको और अच्छे से बना के दो, तो इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अगर मैं परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूं बिजनेस एसेट्स का, ठीक है, और वो असेट्स जो थी अब मैं उसको परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूं और वो असेट्स बिजनेस की असेट्स थी, ठीक है, या तो मैं उसे परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूं और या तो मैं उसे डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं और एक भी रुपए बिना लिए कर रहा हूं, तो इसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट करते हैं, ठीक है। और मान लो मैंने टेम्परेरी ट्रांसफर किया किसी भी बिजनेस असेट्स को जो कि बिजनेस के लिए गुड्स वगैरह था, ठीक है, बिजनेस का गुड्स था और बिजनेस की असेट्स था, ठीक है, और या तो उस गुड्स को मैं प्राइवेट यूज कर रहा हूं, ठीक है, मैं उस गुड्स को क्या कर रहा हूं, प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं और एक पैसे बिना दिए यूज कर रहा हूं, तो इसे मैं सप्लाई ऑफ सर्विस मानता हूं।
ठीक है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो पहला वाला हुआ परमानेंट ट्रांसफर वाला, उस पे होगा कि हो सकता है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हो या नहीं लिया हो, वो बात की बात है। बात ये है कि आपने बिजनेस की असेट्स को ट्रांसफर कर दिया और हमसे बिना पूछे कर दिया, तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स में रखा गया। और आप अगर पर्सनल पर्पस के लिए ले जा रहे हो तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस रखा गया। ध्यान से सुनना, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो बिना पैसे के कर रहे हो सप्लाई ऑफ गुड्स, आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो या टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन आप उस गुड्स को पर्सनल पर्पस के लिए ले जा रहे हो और एक भी रुपया बिना दिए ले जा रहे हो, तो इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। उसके बाद सर इसमें दो बातें और पढ़नी है, नहीं तीन बातें ओवरऑल पढ़नी है। एक, फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑलवेज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी, मतलब जो बातें अब हम बताने जा रहे हैं उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स। इसी पे पांच नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि भैया किसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं और किसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। ध्यान से सुनना सर, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर हमने रेंट पे चढ़ाया तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम, कॉम्प्लेक्स का काम, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, मतलब ओवरऑल कंस्ट्रक्शंस के काम को जो भी हम कह रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, ठीक है। और इसी में दो बातें और थी कि भैया इसमें हम कौन सी डेट देखते हैं, तो उसमें हम डेट देखते हैं कि भैया पहले या तो मालिक बना दो आप सामने वाले को, या तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए दे दो, उस डेट को हम देखते हैं विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से, और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि भैया हम इसे सप्लाई ऑफ सर्विस में कम काउंट करें। ये आपको नोट्स में लिखवाया गया था। उसके बाद टेम्परेरी ट्रांसफर, आप टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहे हो तो भी हम इसे सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानते हैं। आप डेवलपमेंट के लिए, डिजाइन के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, कस्टमाइजेशन के लिए, अगर कोई आप सॉफ्टवेयर ऐसा करवा रहे हो तो इसे भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानते हैं। या फिर आप ये कहो कि आप कुछ पैसे ले रहे हो और आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप किसी को काम करने के लिए मना कर रहे हो, ठीक है, टू रेफरेंस फ्रॉम एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट, कि आप इस काम को नजरअंदाज करो या तो इस काम को करवाओ मत, इसके लिए अगर आप कोई पैसा ले रहे हो तो इसको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानते हैं। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स और एनी पर्पज ऑफ कैश या डेफर्ड पेमेंट और अदर कंसिडरेशन, तो इसको भी मतलब ट्रांसफर ऑफ राइट, ठीक है, राइट को देना, तो इसे हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि भैया इसके लिए अगर आप कोई पैसा ले रहे हो तो इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा गया कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का केस अभी आप सेक्शन 8 में थोड़ी देर में सुनने वाले हो, लेकिन उससे पहले ध्यान में रखो कंपोजिट सप्लाई का कोई केस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या रेस्टोरेंट का केस है, तो दोनों को ही आप सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानते हो। उसके बाद अगला आया कि कोई इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, ईओपी या बीओआई कोई भी है, और वो कोई भी सप्लाई अपने मेंबर को दे रहा है, ठीक है, तो इसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं। क्या मानते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स। एंड फाइनली हमारा चैप्टर क्लोज होता है सेक्शन 8 के ऊपर, जो हमें सिखाता है कंपोजिट सप्लाई में कि भैया हमारा मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई क्या होता है। सर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मिक्स सप्लाई क्या कहता है, मिक्स सप्लाई कहता है टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, चाहे उसमें गुड्स हो या उसमें सर्विस हो या दोनों का ही कोई कॉम्बिनेशन हो, इसे हम मिक्स सप्लाई कहते हैं। मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस, हम कहते हैं ओवरऑल भाई ले जा रे, ले जा तू, ले जा इसको, बस ले जा, हमें बस बेचने से मतलब है, तुम इसको ले जाओ, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको किसी पैकेट के अंदर कोल्ड ड्रिंक भी मिल रही है, चॉकलेट भी मिल रहा है, केक भी मिल रहा है, ड्राई फ्रूट भी मिल रहा है, उस ऊपर से वो वेटर की भी सर्विस, एसी की भी सर्विस, सब सर्विस मिल रही है, तो इसे हम मिक्स सप्लाई कहते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 74 के अंदर। और मैं लास्ट टाइम ही बोल चुका हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे अच्छे से करके जाना है। और अगर मैं कंपोजिट सप्लाई की बात करूं तो इसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 है, वो कहता है कि भैया इसमें जो टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, वो रिसिपिएंट को क्या देने वाला है। अब इसमें देखो, इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है मोबाइल के साथ चार्जर मिलना, दैट इज कंपोजिट, कि भैया वो उसके साथ मिलना ही है, उसको देना ही पड़ेगा, आप इसको टॉलरेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए डेफिनेशन रखेंगे टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, ठीक है। तो इसमें भी इसमें है टैक्सेबल सप्लाई, यानी दोनों को साथ में देना ही पड़ेगा, लेकिन मिक्स सप्लाई में वर्ड था टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल मतलब दो चीज एक साथ रिलेट करती नहीं है, लेकिन पिज्जा और बर्गर और कोल्ड ड्रिंक को आप साथ में इसलिए दे रहे हो कि आपकी सेल ज्यादा हो, इस वजह से आप वहां कर रहे हो, लेकिन कंपोजिट सप्लाई में ऐसा कोई केस नहीं है, वो आपको देना ही पड़ेगा।
विच आर नेचुरली बंडल्ड, एक दूसरे के साथ जन्म जन्म का इनका रिश्ता है, आप दोनों को अलग करके नहीं दे सकते कंपोजिट के अंदर, आपको एक साथ ही देना पड़ेगा। सप्लाइड इन अ कंजंक्शन विद ईच अदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, यानी आप जब दे रहे हो तो प्रिंसिपल सप्लाई के साथ वो जो साथ वाली चीज है वो देनी ही पड़ेगी, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल मोबाइल और चार्जर। उसके बाद बात आई कि भैया इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो इसका ट्रीटमेंट कंपोजिट में आप क्या करोगे कि टैक्स लायबिलिटी जो कंपोजिट की होगी वो चेक करोगे। दो केस होंगे सर, पहला कंपोजिट सप्लाई जो है उसमें दो चीजें होंगी, दो या दो से ज्यादा सप्लाई होंगी, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो। तो भैया हम देखेंगे प्रिंसिपल सप्लाई का क्या रेट है, प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट होगा ओवरऑल सब पे वही रेट लग जाने का है, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, लेट सपोज मिक्स सप्लाई है, क्या है मिक्स सप्लाई है, तो मिक्स सप्लाई के केस में जिसका सबसे ज्यादा रेट होगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा। और कंपोजिट सप्लाई के अंदर क्या होगा, जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट होगा, प्रिंसिपल सर्विस होगी, उसका जो रेट होगा उस रेट से टैक्स लगेगा। तो इसी के साथ सर हमने 30 मिनट के अंदर ओवरऑल चैप्टर 2 का रिवीजन कर लिया है। एग्जाम में इसी स्पीड के साथ आपको रिवीजन करना है। एक चीज का ख्याल रखना है कि भैया कोई गलती कहीं पर नहीं करनी है। आपको अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो, ऑडियो को 2 से 4 बार सुनो और लिख लिख के देखो, प्रोविजन को 2-4 बार पढ़ के देखो, 30 मिनट के अंदर इसको खत्म करने की हैबिट आज से डाल लो। अगर पसंद आया हो तो सर एक बार दिल से मुझे दुआएं दे देना, मेरे लिए इतना ही काफी है। आपका दोस्त विनीत मिश्रा, हमेशा टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम एंड टिल द एंड ऑफ माय लास्ट ब्रेथ मैं हमेशा आपके साथ हूं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।